नमस्कार, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। क्लास थ्री, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 9, हाउ मेनी टाइम्स। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, हाउ मेनी टाइम्स। Before starting new concept, let's revise the concept which we learned in our previous video. So here, first of all, open your textbook. On page number 122, we just start the new chapter. मैंने आपको concept clear किया था. In our last video, we just continue the concept of multiplication and addition. राइट, वो स्टैंडर्ड सेकंड में आप सीख के आए थे। मैंने कंटिन्यू प्रोसेस की, मैंने आपको इन डिटेल्स एक्सप्लेन किया कि आपको जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे करना है, मीनिंग क्या है मल्टीप्लिकेशन का, वो मैंने आपको बताया। लाइक एडिशन कर रहे हैं तो जो रिपीटेड एडिशन हो रहे हैं वो ही मल्टीप्लिकेशन है। टेबल्स जो हम करते थे, राइट, 2 2s are 3 4s are, तो ये क्या है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है वो मैंने आपको बताया था। देन हमने लेगी एनिमल्स वाला कॉन्सेप्ट कम्प्लीट किया था। 8 लेग्स थे ऑक्टोपस के, स्पाइडर के, उसके सम्स किए थे। एंड देन नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 123, फाइंड द नंबर विदाउट काउंटिंग किए बगैर नंबर फाइंड करने थे, उसके सम्स किए थे। 2 सम्स हमें फ्लावर बेड वाले जो थे करके दिए थे, और जो बॉटल थी और एग्स थे उसके सम हमने सॉल्व किए थे। नाउ हियर नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 124, प्रैक्टिस टाइम। तो प्रैक्टिस टाइम वाले सम में क्या करना है, एक्सरसाइज ए, रीराइट यूजिंग प्लस साइन। तो यहाँ पे भी हमें रीराइट करना है यूजिंग प्लस साइन, प्लस साइन यूज करके। तो फर्स्ट वन हमें करके दिया है, फॉर एग्जाम्पल में 2 5 2 5 2 multiply by 5 is 2 times 5। क्या बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट डिजिट है वो 2 टाइम्स, और यहाँ पे बोल रहे हैं 5। इट मीन्स कि 5 को 2 टाइम्स राइट करना है। तो यहाँ पे हम राइट करें 5 प्लस 5। हमें पहले ही यहाँ पे हेडिंग में कहा है कि प्लस साइन यूज करके हमें रीराइट करना है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया है, प्लस साइन यूज करके यहाँ पे हमें आंसर राइट करना है। तो यहाँ पे सेकेंड में वन में दिया है 4 multiply by 18, तो फर्स्ट डिजिट है वो 4 है, तो 4 times हमें 18 राइट करने है। तो 4 times तो दिया है, कितनी बार, कौन सा डिजिट राइट करना है, 18, 4 times 18 राइट करना है। और यहाँ पे प्लस साइन यूज करके 18 plus 18 plus 18 plus 18, 4 times 18 राइट करें, 14, 18 को 4 times प्लस करेंगे तो यहाँ पे 4 multiply by 18 होगा। रिपीटेड एडिशन हो रहा है। देन नेक्स्ट हियर थर्ड वन, फर्स्ट डिजिट है 3, इट मीन्स के 3 times क्या राइट करना है, 20। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सेकेंड लाइन में 20, 3 times हमें 20 राइट करना है, इसलिए यहाँ पे 20 plus 20 plus 20। नाउ लास्ट वन, 8 multiply by 9, इट मीन्स के फर्स्ट डिजिट जो है वो 8, तो 8 times हमें राइट करना है 9। ओके, तो यहाँ पे हम राइट करें 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 6 times 7 times 8 times, 8 times हमें 9 राइट करना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज बी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लेट्स रीड हेडिंग, टेल हाउ मेनी टाइम्स। अब यहाँ पे एडिशन है, हमें मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट में क्या था, मल्टीप्लिकेशन दिया था, रिपीटेड एडिशन कैसे करना है वो सीखा। अब यहाँ पे रिपीटेड एडिशन दिए है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो सीखना है।
तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल टू एग्जाम्पल दिए हैं, 9 और 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी टेंस बैठ की है? 9, 6 टाइम। कौन सा लीजिए? 9। 6 टाइम्स 9, 6 नाइन्स आर 54। देन नेक्स्ट हियर 1, 2, 3, 4, 5। 5 टाइम्स राइट किया है 4, 5, 4 आर 20। मल्टीप्लीकेशन करके डायरेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट हियर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 1, 2, 3, 3 टाइम्स 8। तो 3 टाइम्स 8, 3 8s are 24। देन नेक्स्ट हियर 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम्स 3, 5 3s are 15। अगेन हियर 1, 2, 3, 3 टाइम्स राइट करना है। कौन सा डिजिट राइट करना है? 30। 30 को 3 टाइम्स राइट करना है, तो 33 3 3s are 9 एंड 0 एज इट इज। तो यहाँ पे आंसर आया 90। नाउ नेक्स्ट हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टाइम्स कौन सा डिजिट? 7। तो 7 6s are 7 6s are कितने होते हैं? 7 6s are, और 6 7s are both are 7। तो यहाँ पे हम आंसर राइट करेंगे 42। नाउ नेक्स्ट 12। 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स राइट करना है किसको? 12 को। तो यहाँ पे 12 है, 4 टाइम्स 12, 4 12s are, और 12 4s are, both are 7, 48। देन नेक्स्ट 1, 2, 3, 3 टाइम्स 6 राइट करना है, 6 3s are 18। तो यहाँ पे हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आप सबको समझ में आए हैं। देन नेक्स्ट आपको 10, 2 और 6 वाले रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, रिमेन 3। यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, इट्स योर टूडेज होमवर्क। आई होप यू ऑल कैन डू। नाउ नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 125। नाउ चिल्ड्रन सी क्वेश्चन सी। Here they give us word problems, story problems. Let's read one by one story problem and give answer and solve the sums. So here first one, C में क्या write किया है, read करते हैं। Ramu bought 4 packets of biscuits. Each packet has 4 biscuits. How many biscuits did Ramu buy? तो फर्स्ट वन में क्या बोल रहे हैं कि रामू ने 4 बिस्किट के पैकेट खरीदे हैं। अब 4 बिस्किट के पैकेट खरीदे हैं, उसमें 1 बिस्किट के पैकेट में 4 बिस्किट्स है, तो टोटल रामू के पास कितने बिस्किट्स हुए हैं? तो यहाँ पे आपको पिक्चर में भी दिया है, हियर दे गिव अस पिक्चर, दिस इज द पिक्चर ऑफ रामू, ओके, एंड ही बाय 4 packets of biscuit and each packet having 4 biscuit. You can clearly see in this picture. Now next, अब क्या करना है? Here what we do? Here we perform multiplication. कैसे पता चला? Because यहाँ पे पूछा है कि total biscuit कितने हैं? तो 4 biscuit के packet से एक में 4 biscuit है, तो total कितने हो गए? तो 4 टाइम 4 करेंगे, इट मीन्स के 4 4s are 16, ओके। यहाँ पे हम एडिशन करने बैठे तो 4 टाइम 4 को राइट करें, एक बिस्किट का पैकेट, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, एक में 4 है, 4 टाइम 4 आंसर 16, 4 4s are 16। नाउ नेक्स्ट डी, There are 12 desks in a classroom. Each desk has 4 legs. What is the total number of legs of desk? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एक क्लासरूम है, क्लासरूम में बेंच होती है, यहाँ पे डेस्क वर्ड यूज किया है। अब क्या बोल रहे हैं कि जो डेस्क है, बेंच है, उसमें जो बोल रहे हैं कि लेग्स मीन्स के जो नीचे होते हैं, वो डेस्क के नीचे, बेंच के नीचे होते हैं, वो 4 लेग्स है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि
टोटल लेग्स कितने होंगे, ये पूरे क्लास में कितने लेग्स होंगे, टोटल लेग्स मीन्स क्या बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये क्लास है उसके अंदर ये बेंचेस रखी हुई है, कितनी बेंचेस रखी है, 12 बेंच, ओके। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये 1, 2, 3 एंड 4 एक के कितने लेग है, 4 लेग्स है, ओके। तो अब यहाँ पे पूछे कि 12 बेंचेस के टोटल मिला के कितने लेग्स होंगे, ऐसे यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लेग्स ऑफ द डेस्क, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने होंगे 12 डेस्क के, तो क्या करेंगे, 12 4 को 12 टाइम्स राइट करेंगे, क्या करेंगे, एक के 4 लेग्स है, इट मीन्स के 4 कितनी डेस्क है, 12, तो 4 को 12 टाइम्स राइट करें और यहाँ पे डायरेक्टली राइट कर ले 12 4 और 4 12, आंसर 48। नाउ नेक्स्ट ई, सबीहा ब्रॉट होम 3 बंचेस ऑफ फ्लावर, ईच बंच हैज 4 फ्लावर्स, हाउ मेनी फ्लावर्स वर देयर। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सहीबा नाम की लड़की, सबीहा नाम की लड़की है, वो 3 बंचेस खरीद रही है, एक बंच में 4 फ्लावर है, तो 3 टाइम्स क्या करेंगे, 4, तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं 3 4 12, डायरेक्ट आंसर। रिपीटेड एडिशन करें उससे बेटर के हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करें। नाउ नेक्स्ट एफ, 1 रेल कोच हैज 8 व्हील्स, हाउ मेनी व्हील्स और इन ऑल इन 6 कोचेस। अब रेल की बात करें तो यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया है, तो रेल जो 1 कोच है राइट, उसमें 8 व्हील्स है, एक कोच में 8 व्हील्स है, तो 6 कोच में कितने होंगे, तो क्या करेंगे, 6 टाइम्स 8 राइट करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली भी कर रहे हैं 6 8 जार 48, ओके। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से ये सम जो है वो सॉल्व कर लिए। हियर यू हैव टू राइट दिस सम्स इन योर टेक्स्ट बुक, ओके। देन नाउ ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 126, हाउ मेनी टाइम्स 2, तो यहाँ पे आपको बर्ड्स के पिक्चर्स दिए हैं, फिर नीचे टेबल दिया है, कुछ ब्लैंक्स दी है, हियर वी फिल दिस ऑल द ब्लैंक्स। सो फर्स्ट वन में क्या दिया है, पिक्चर को ना देखे और डायरेक्ट टेबल करें, तो 2 का टेबल तो सबको आता ही है। नाउ आप थर्ड स्टैंडर्ड में आ गए इसलिए मुझे पता है आपको 2 का टेबल आता है। चलो 1 टाइम 2 इज 2, 1 टाइम हम 2 राइट करें तो 2 होता है, और इसको हम बोल सकते हैं 1 2 जार 2। देन नेक्स्ट 1 के बाद आएगा 2, सीरियल नंबर से ही हम जाएंगे, तो 2 टाइम्स हम 2 को राइट करें। यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट 2 का दिया है इसलिए यहाँ पे सेकंड डिजिट सब में 2 ही लेंगे। फिर क्या बोल रहे हैं, 2 टाइम्स 2 इज 4, 2 को 2 टाइम राइट करें, 2 प्लस 2 4, 2 2 जार 4। नाउ नेक्स्ट 2 के बाद 3, 3 टाइम्स 2 इज 6, 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे हम राइट कर सकते 3 2 जार 6। नाउ नेक्स्ट 3 के बाद 4, 4 टाइम्स 2 इज, 2 को हम 4 टाइम राइट करें तो 8, 2 4 जार 8, और 4 2 जार 8। नाउ नेक्स्ट 4 के बाद 5, 5 टाइम्स 2 को राइट करना है तो यहाँ पे आंसर आएगा 10, और यहाँ पे 5 टाइम्स 2, 5 2 जार 10। देन नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर स्कीप हो रहे हैं, 2 का टेबल जो है वो आगे बढ़ रहा है। देन नेक्स्ट 6, 6 टाइम्स 2, 6 टाइम्स 2, 6 2 जार 12, 2 6 जार 12, 2 6 जार 6 2 जार 12। देन नेक्स्ट ईयर 6 के बाद क्या आएगा, 7, तो यहाँ पे ब्लैंक में राइट करेंगे 7, 7
टाइम्स टू 14 और 7 टाइम्स टू 14 1 2 3 4 हियर यू हैव टू फिल 4 ब्लैंक्स. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे 7 के बाद कौन सा डिजिट आता है 8 तो यहाँ पे राइट करेंगे 8 कौन सा टेबल 2 8 टाइम्स टू 16 14 टू नंबर स्किप करो 16 8 टू जा 16 नेक्स्ट 8 के बाद 9 टाइम्स 2 इज 18 और 9 टू जा 18 देन नेक्स्ट 9 के बाद 10 टाइम्स 2 20 आंसर 10 टू जा 20 यहाँ पे 2 का टेबल कंप्लीट किया और 2 कितनी कितनी टाइम्स कैसे राइट करे यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन करके देखा और यहाँ पे हमने ये सारी जो ब्लैंक्स थी वो फिलअप कर ली. हाउ मेनी टाइम्स 2 आई आई होप आप सबको ये समझ में आ गई है. नाउ हियर वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस.